राम काज करवे को आतुर्भुज चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शि हे जिनका भाव विकट रूप धरि लंक जरावा भीम धर्म कल्याण धर्मदिदा विनायकं प्रिया नित्यं तां च स्वयं ब्रुवन्तुनः हस्ति कंकर बंधनं तृणुयाम एवा भद्रं पतये माध्यभृजाचित्राः वीरैरङ्गै चुट्टुवांसतनु विर्व्यादेवहि देवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्तिदेवा चित्रार्षकरा जरदन्तनूनाम् त्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानो मधियारीरिकता युगन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजरा अदितृजातमदितृजनकम्बाद्युः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि चतो यतः शमीहते ततो नो अभयं कुरु षण्णः गुरुप्रजाभ्योभयन्नः पद्भ्यः विश्वानि देव सवितत्तुरितानि परा ध्रुवा चद्भद्रं तन्न आशुव ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु धर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु जिंदु साहु का नाम लेता हूँ नमः बोलकर आप प्रणाम करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को प्रणाम करिए। श्रीवर महागणाधिपतये नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करिए। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शिव और पार्वती को नमस्कार करिए। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ब्रह्मा और सरस्वती को नमस्कार करिए। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। इंद्र और इंद्राणी को नमस्कार करिए। सती पुरंदराभ्याम नमः। अपने माता पिता के चरण कमलों को प्रणाम करिए। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आपके जो इष्ट देवता उनको प्रणाम करिए। इष्ट देवताभ्यो नमः। आपके कुल के जो देवी देवता उनको प्रणाम करिए। कुल देवताभ्यो नमः। आप जिस गांव से हैं ग्राम के देवी देवताओं को प्रणाम करिए। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवी माता मुंबा देवी मन ही बन जाए वहां दर्शन करके आइए।
स्थान देवताभ्यो नमः। जिस घर में रहते हैं इस घर के वास्तु भगवान को प्रणाम करिए, वास्तु देवताभ्यो नमः। एक साथ में सभी देवताओं को वंदन करिए, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आए हुए ब्राह्मण को मन से प्रणाम करिए, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री हनुमंताय नमो नमः। भगवान हनुमान जी को नमस्कार करिए, हनुमंताय नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घायुर्भवन्तः प्रबन्धो तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घायुरस्तु। भगवान के स्वागत के मंत्र उनका श्रवण करेंगे और सुमन से भगवान को निमंत्रण देंगे कि सभी देवता आए और आकर्षित विराजमान हो। ओम समकश्चैक दंतस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो। क्या बात है बोले लक्ष्य।